नागपूर जिल्ह्यामध्ये गंगा जमुना ही वस्ती गेल्या 350 वर्षापासून ही वस्ती बसलेली आहे। या वस्तीमध्ये अनेक प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीने कामे चालत असतात। इथे 2000 ते 3000 लोकसंख्या आहे आणि इथे अचानक काय झालं की नवीन DSP आला आणि यांच्या घराला लॉक लावायला सुरुवात केली। तर चला याच लोकांशी आपण बोलूया आणि या लोकांशी संवाद साधूया। आप कितने साल से रहते? मैं 12-13 साल से। क्या हुआ है यहाँ पे जो इतना माहौल खराब हो गया? जो अविनाश कुमार आए हैं अभी DCP, उनका कहना है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमको जीने नहीं दे रहे। हम यानी कहाँ जाए, हमारा कहने का अर्थ है हम कहाँ जाए। आप अगर जॉब भी दे रहे तो क्या गारंटी हमको गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी ना बनना है, और बनेंगे भी तो हमको कौन इज्जत से देखने वाला है। वही है कि एक रेड लाइट एरिया की लड़की माना जाएगा ना। DCP हमारी समझ ही नहीं रहा बात। हम विनती करके गए, हाथ जोड़े, पैरों में गिरे हम उनके, कि हमको एक बार चांस दो, हमको एक बार मौका दो। फिर भी DCP साहब ने हमको कुछ भी नहीं बोल। किस तरह का मौका चाहते हैं? हम ये एक बार, हमको बड़ी बड़ी जो भी लड़कियां हैं वो बड़ी बड़ी बिठा लेंगे, छोटी छोटी लड़कियां कोई नहीं दिखेगा। जब कोई दिखेगा तो उसकी सजा तुम जो बोलेंगे वो सजा हम मंजूर है, पर हमको ये खुलवाओ। तुमच्या बाजूला जी वस्ती आहे गंगा जमुना, त्याच्या तिथे 15 दिवसापासून जो धुमाकूळ चालला आहे, तर तिथले मुलं कुठेच बाहेर गेले, तर काय परिणाम झाला आहे तुमच्या शाळेवर? मुलं येतच नाहीत, आता 80% मुलं येत नाही आहे, त्याच्यामुळे आमचा कोर्समध्ये खूप मुलाला प्रॉब्लेम होऊन झाला आहे, आम्ही शिकवू शकत नाही पोरांना। वस्ती से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको हमारे बच्चे होना, क्योंकि ये बच्चों से हमारा स्कूल था, और ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ये स्कूल तो रहना ही नहीं है, और ये बच्चों का भविष्य क्या? ठीक है कहीं भी पढ़े वो, पर पढ़े, हमारा मकसद ये। ये दुकान आप क्या की दुकान है, ये कितने साल से है? 25 साल। अगर ये बस्ती उठ जाती है, कुछ होता है, तो आपके ऊपर क्या परिणाम होता है? आप यहीं पे रहते हो? अभी आपकी दुकान ये 15 दिन से यहाँ माहौल चालू है, तो चल रही क्या? मी अलका माटे, महाराष्ट्र नागपूर जिल्ह्यातून, इंडिया अनहर्ड साठी।